नमस्कार दोस्तों, आज 27 अगस्त 2022 दिन शनिवार। दोस्तों जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में कितना लहसुन आया, आज का क्या कुछ रेट खुला। दोस्तों ये है वो जो फार्मिंग लहसुन बोलते हैं जिसका जमा यानी उसकी कली, और ये दूसरे वाले हैं। जान लेंगे अपना जितेंद्र खुराना जी है, आज की क्या कुछ रिपोर्ट है मंडी में, कहाँ कहाँ का माल आया, टोटल गाड़िए। सर जी नमस्कार जी। सर जी आज की क्या कुछ रिपोर्ट है जी मंडी में, क्या कुछ दाम खुले ऊपर नीचे? 14 एक गाड़ी है। हाँ जी, 8 गाड़ी इसमें एमपी है, 4 कोटा है। हाँ जी, एक हिमाचल और एक फार्मी लहसुन की है। हाँ जी जी, फार्मिक लहसुन की एक गाड़ी बन रही है अब टोटल मिला के जी? हाँ, एक आई हुई है आज। अच्छा जी, तो कहाँ से आ रहा जी अब ये जो फार्मिंग लहसुन है जी? ये भाई साहब ना ये एंडिंग हो गया है और ये वहाँ व्यापारी छाड़ छूट के जितना निकल रहा है ना। हाँ जी, कुछ थोड़ा हिमाचल से थोड़ा पंजाब से ये लेके आ गए। अच्छा, व्यापारी जा रहे जी अब ये? अच्छा जी, तो इसका सीजन अब एंड हो लिया जी? एंड है। तो चलता किस समय जी फिर ये? बस ये समझो आप मई से चालू हो जाता है। अच्छा जी, और ये वैसे अक्टूबर नवंबर तक चलता है, लेकिन इस बार बाहर की डिमांड थी। हाँ जी, अफगानिस्तान की, तो इसलिए अभी तक। अच्छा, ये चलो। ये मैडम जी जो अफगानिस्तान से आए हुए जी हैं? हाँ जी, हाँ जी, अफगानिस्तान से हैं। हाँ जी, और ये माल लेने आते हैं। हाँ जी, पहले भी मैंने एक भाई साहब की अफगानिस्तान वालों का इंटरव्यू करवाया था। हाँ जी, अब ये मैडम है, इन्होंने माल उठाया, बहुत माल उठाया मार्केट से। हाँ जी, तो आप मेरे को कई किसानों ने पूछा था। हाँ जी, कि इस साल ये रेट है। हाँ जी, और इस साल डिमांड है। हाँ जी, क्या अगला साल भी इसकी डिमांड रहेगी? हाँ जी, तो मैं आपकी सीधी मैडम से ही बात करवा देता हूँ। हाँ, कि अगला साल भी ये लोग लेंगे कि नहीं लेंगे। हाँ जी, हाँ ये मैडम बात कर। मैडम जी आपका शुभ नाम क्या है जी? खुशी। अच्छा खुशी जी, तो आप अफगानिस्तान से ही हो जी? जी। तो यहाँ पर इसके लिए लहसुन के लिए आते हो जी? जी जी। अच्छा जी, तो इसके अलावा और क्या प्रोडक्ट खरीदते हो जी यहाँ से जी? अभी फिलहाल तो यही लहसुन का काम चल रहा है। अच्छा, अफगानिस्तान में अच्छा इसका मतलब काम है। हाँ जी, तो ये कितने साल तक, कितने साल से कर रहे जी आप इस काम को जी? इसको मेरा तो फर्स्ट साल, ये पहला साल है जो कर रही हूँ, लेकिन ये 3 साल से चल रहा है ये लहसुन का काम। हाँ जी जी, ठीक ठीक ठीक। तो सर जी आपका मैडम जी ये वाला ले रहे आपका, आपका पूरा मोटी कली गांठ वाला ले रहे जी इसमें जी? जी, लेकिन इसके दाने कुछ खास नहीं है। हाँ जी, मोटे मोटे हैं। हमें जो चाहिए किसान भाइयों को पता है। हाँ जी, वो बादाम शक्ल है उसका, मतलब लंबाई इसका जो है, और जो उसका जो क्या बोलते हैं कली, चाहे कली हो या साबुदाना हो। हाँ जी, उसका साबुदाना हमें चाहिए 8 कली वाला या 7 कली वाला। अच्छा, तो अच्छा, जो अभी मार्केट में फिलहाल है कुछ खास नहीं आ रहा है माल। हाँ, हम किसान भाइयों से यही चाहते हैं कि अगले साल के लिए अच्छा माल उगाए। हाँ जी, और रेट भी सही कर दे ताकि हम खरीद सके, उनका भी भला हो और हमारा भी। तो अगले साल आप कोई डिमांड रहेगी जी इसकी? जी क्यों नहीं रहेगी। अच्छा जी, डिमांड रहेगी जी, रहे। रेट चाहे कुछ भी हो सकता है, रेट कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, लेकिन हम यही चाहते हैं कि किसान भाई हेल्प करे हमारी। हाँ जी, माल अच्छा उगवाए, फिलहाल तो मिक्स भी कर रहे हैं। हाँ जी, मिक्स आ रहा है माल। अच्छा, तो हम यही चाहते हैं कि माल अच्छा है। हाँ जी, और मिक्स ना हो उसमें, रेट थोड़ा अच्छा लगाए, वो उगवाए, हम खरीद लेंगे। बहुत जी, अब की बार उम्मीद है जी कि हमारे भारत में ये अच्छा माल लगेगा, इसकी किसानों का रुझान जा रहा इसके लिए, अभी मेहनत करेंगे किसान जी, जी। तो ये वाले लहसुन नहीं चलते जी आपके पास किसी भी रेट नहीं, में? नहीं, ये सब नहीं चलता। अच्छा जी, जैसे ये हिमाचल वाला है छोटा जो इसमें मोटी कली का है लहसुन जी, हिमाचल वाला भी नहीं चलेगा जी ये? बिल्कुल नहीं, नहीं, सिर्फ ये फार्मिंग लहसुन ही चलता है वहाँ पे। अच्छा, ओनली यही जी? जी। अच्छा जी, अच्छा, तो इससे पहले आपने फर्स्ट साल है जी? जी, ये फर्स्ट साल। अच्छा जी, अच्छा, उम्मीद है अगले साल भी इसकी जो ये एक्सपोर्ट खुला रहेगा जी इंशाल्लाह, तो चलता रहेगा जी? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी सर जी, तो आज के क्या क्या बाजार चल रहे जी इसके जी? 2 मिनट बाद। हाँ जी, हाँ जी सर, तो आज का फार्मिंग लहसुन का जो अच्छे वाला है बढ़िया वाला, उसका क्या रेट है जी? देखो जी, अभी ना ये कोई भाव नहीं है, क्वालिटी के हिसाब से भाव है। हाँ जी, आज 450 तक मार्केट में जो गाड़ी आई थी, हाँ जी, वो 450-500 के गीत गा रहे हैं। अच्छा जी, सारा गेम है क्वालिटी के ऊपर, माल और कहीं है नहीं। अच्छा जी, एक आदमी पे माल हो किसी भी भाव बेच रहे। हाँ जी, डिमांड है। हाँ जी, अगला साल मैं चाहता हूँ कि अगर किसान इसको थोड़ा थोड़ा भी उगाएं, हाँ जी, एक तो उनको एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। हाँ जी, दूसरा इसकी डिमांड हर साल रहेगी। अच्छा जी, बाहर विदेशों में डिमांड इसकी चलेगी ही चलेगी। पर सबसे बड़ी समस्या तो ये आ गई ना जी, जिसको अब मान लो लगाना, वो 450 रुपये किलो 500 रुपये किलो लेके बीज कहाँ से लगाएगा? सबसे बड़ी दिक्कत यही है। हाँ जी, इस भाव में लगाने का कोई यूज नहीं है। अच्छा, तो इसलिए इस साल
तो थोड़ा जो आसपास से मिले, हाँ जी, किसी को 2 किलो 5 किलो जहाँ जिससे मिले एक बार एक्सपेरिमेंट पे लगा लें, हाँ जी, लेकिन आगे से फोकस करके रखें कि ये प्रोडक्ट भी इंडिया में पैदा होता है, अच्छा, और इसको थोड़ा बहुत इनको लगाना चाहिए। जैसा अब के साल इसका रेट है, ये तो रेट में रेट नहीं है, तो लूट है, ये तो लूट है जी, ये तो कभी कभार जी, अच्छा, ये माल ही नहीं है, अब किसी भाव आप बेच दो, हाँ जी, लेकिन इसका अमूमन जो रेट रहता है, हाँ जी, मैं जो जनरल रेट रहता है इसका मिनिमम और वैसा रेट कहाँ जो जनरल रेट रहता है इसका 50-60 रुपए किलो 70 रुपए किलो तक चलता है, अच्छा जी, और इसमें एक छोटा लहसुन भी निकलता है जो इसकी जड़ों में निकलता है, हाँ जी, जो हम कश्मीरी लहसुन कहते हैं इसको, हाँ जी, और वो इसकी जड़ों में निकलता है, जो गठिया बाई के लिए हम वो येलो कलर का आता है छोटा सा, हाँ जी, वो साथ में इसी के निकलता है, वो 100 रुपए से लेके 200 रुपए किलो बिकता है, अच्छा, इस साल वो 800-900 रुपए किलो बिक गया इस साल, अच्छा जी, प्रोडक्शन कम होने की वजह से, अच्छा, यानी इसका 70 रुपए के आसपास का बाजार चलता है, 60-70 रुपए का नॉर्मल बाजार चलता है, अच्छा जी, डिमांड फॉरन की आ गई तो फिर वही 100 रुपए 150-200 बिकता है, अच्छा जी। तो आज के दूसरे वालों के क्या कुछ चले जी इनके बाजार जी? ये सब बढ़िया माल, देखो अभी तक बिक्री नहीं निकली थी, आज थोड़ी बिक्री है, हाँ जी, और पिछले मैंने उसमें कहा था कि किसानों को घबराना नहीं चाहिए, हाँ जी, अभी थोड़ा प्रेशर 2-3 दिन से दोबारा मार्केटों में प्रोडक्शन मंडियों में आ रहा है, हाँ जी, लेकिन जैसे ही सेलिंग मंडियों में बिक्री निकली, हाँ जी, तो मेरे को लगता है कि जो हल्का बहुत प्रेशर दिख रहा है, हाँ जी, माल का और हल्का 1-2 रुपये डाउन कह दें कि हो रहा है, हाँ जी, वो होगा नहीं, अच्छा जी, हाँ, तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए, हाँ जी, बिक्रियाँ निकलते ही जो घबराहट है वो ख़त्म हो जाएगी, अच्छा जी, हाँ, और जो ये अभी भी जो 2-3 रुपये 1-2 रुपये कम बता रहे हैं, हाँ, वो हल्के मालों में, अच्छे माल में अभी भी कोई कम नहीं है, अच्छा जी, दिल्ली में अगर हम एकदम टॉप क्वालिटी का माल देखें तो 40 रुपये किलो 35-40 रुपये किलो एकदम सुपर क्वालिटी फर्स्ट नंबर का माल बिक रहा है, हाँ जी, आम जो ये ऐसे माल हैं जो ये पिंक जाली, हाँ जी, गुलाबी जाली देख रहे हैं, हाँ जी, ऐसे माल 25 से लेके 27-28 रुपये, हाँ जी, और जो इनके लाड़वे हैं जैसे ये, हाँ, ये 14-15 रुपये, हाँ, अगर इसी में मोटा लाड़वा होगा तो 18-20 रुपये, अच्छा जी, और ये गोली है, हाँ जी, ये गोली 10 रुपये के पक्की पोजीशन है इस माल, अच्छा जी, अच्छा, और आज का हिमाचल वालों का जी? हिमाचल वही 90 से 100-110 सुपर माल, ये सी ग्रेड है जी, ये वही 25 से 30 रुपये, अच्छा जी, अच्छा, और बी ग्रेड जो है 50-60 रुपये, तो ये कहीं अपना लहसुन इसका करवाओ ना जी, कोई इसका भी सामान बन जाए तो इसका भी उद्धार हो जाए दूसरे देसी लहसुन का जी। सर मैंने किसानों को आज से 3-4 महीने से तो बोल ही रहा हूँ, कई सालों से बोल रहा हूँ कि आप PMO को डायरेक्ट चिट्ठी लिखें, और पहले भी हम लोगों ने कोशिश की तो ओम बिरला जी ने कहा लहसुन खरीदेंगे, हाँ जी, उसके ऊपर कार्रवाई भले नहीं हुई, हाँ, लेकिन उन्होंने इतना तो बोला लहसुन खरीदेंगे, हाँ, जिसपे किसानों को उम्मीद बंधी थी, हाँ जी, अब लहसुन नहीं खरीदा गवर्नमेंट ने, अच्छा, तो आपको इकट्ठा होना चाहिए, आपको डायरेक्ट PMO को मेल करना चाहिए, ट्वीट करना चाहिए PMO ऑफिस में, हाँ, कि भाई हमारी दुर्दशा हो रही है, वीडियो देखो, अभी वीडियो वायरल हुआ है जिसमें किसान लहसुन जला दें, हाँ जी, नदियों में फेंक दें, तो ये ट्वीट करें PMO ऑफिस में कि भाई ये सिचुएशन है हमारी। नहीं इसका कोई प्रोडक्ट बने ना जी, जैसे सर प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं, हाँ, अभी से नहीं बन रहे, कई 20-30 साल से बन रहे हैं, अच्छा, गार्लिक पाउडर बनता है, गार्लिक फ्लेक्स बनता है, गार्लिक ग्रैनुअल बनता है, हाँ जी, सिर्फ प्रोडक्ट बनने से, गार्लिक ऑयल के लिए मैंने बोला था, हाँ जी, कि उसकी मशीनें ढूंढे, खैर उसका थोड़ा प्रोजेक्ट बढ़ा है तो हम उस पर अभी वर्किंग ही कर रहे हैं, अच्छा जी, मेरा मकसद है कि जब किसान डायरेक्ट PMO पे ट्वीट करेगा या मेल करेगा तो उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा, हाँ जी, हम लोग कहते नहीं, हम लोगों ने क्या किया, लहसुन में रेट नहीं मिला जला दो, हाँ जी, लहसुन को फेंक दो, हाँ जी, अगर हम ये ना कहें कि अगर हम यही काम, आप भाई किसान पढ़ा लिखा नहीं है, उसका बच्चा पढ़ा लिखा, हाँ जी, उसका बेटा पढ़ा है, बेटी पढ़ी है, उनसे ट्वीट करवा दो, हाँ जी, उनसे ईमेल करवा दो, जिसके हाथ में मोबाइल है वो सब जानता है, हाँ जी, आप करें उसमें रिजल्ट निकलेगा, अब आप कितना कह लोगे, हम कितना कह लेंगे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, आपके सामने मैंने आपको दिखाया था, मैंने ट्वीट भी किया था, हाँ जी, और मैंने मेल भी किया था, हाँ जी, लेकिन 1-2 आदमी 20 आदमी से कुछ नहीं होने वाला, हाँ जी, ये हजारों की संख्या में जब पहुंचेगा PMO ऑफिस में मेल तो अपने आप सरकार जाके कि सरकार का ध्यान इस तरफ आएगा। सर जी एक लास्ट सवाल जी, ये जो इनका लहसुन जाता है जी वहाँ पर अफगानिस्तान में, ये बाई एयर जाता है बाई शिप जाता है? देखो जी ये बाई एयर भी ज़्यादा है, बाई शिप भी ज़्यादा है, हाँ जी, बाई रोड भी ज़्यादा है, अच्छा जी जी, खर्चा तो काफ़ी पड़ता होगा जी वहाँ के लिए?
होता है जी, उसके हिसाब से इनको पड़ता भी है। अच्छा जी, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, धन्यवाद जी। दोस्तों जैन की दुकान का एड्रेस है, इन भाई साहब का ये कॉन्टेक्ट नंबर है। ये जो है चौड़ाई में आपको चाहिए, लंबाई में।